नीरव और नदी का रहस्य। एक सुंदर सुबह थी, जंगल में पक्षियों की चहक सुनाई देती थी। नदी के किनारे नीरव नाम का छोटा भेड़िया खेल रहा था। नीरव को पानी से डर लगता था। वह सोचता, क्या मैं कभी तैर पाऊंगा? नदी की लहरों की आवाज उसे घबराहट से भर देती। एक दिन नीरव ने एक छोटी बच्ची को देखा। बच्ची का खिलौना पानी में गिर गया और वह रोने लगी। नीरव दिल से चाहता था कि वो बच्ची की मदद करे। उसे अपने अंदर की घबराहट को हराना था। नीरव ने गहरी सांस ली और कदम पानी की ओर बढ़ाए। उसके हर एक कदम के साथ उसकी घबराहट कुछ कम होती गई। जैसे ही नीरव पानी में पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि पानी गहरा नहीं था। उसने खिलौना उठाया और बच्ची को लौटाया। बच्ची खुश हो गई और नीरव की हिम्मत की प्रशंसा की। नीरव को खुद पर गर्व हुआ। वह नदी और अपनी घबराहट से नहीं डरता था। नीरव अब नदी के किनारे अपने नए दोस्तों के साथ खेलता। उसने सीखा कि डर जीता जा सकता है। अभी डाउनलोड करें और हर दिन नई कहानियां खोजें।